नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज बात करेंगे वीडियो री एग्जाम के बारे में। कुछ सटीक जानकारी आज लेके आ गया, फाइनल आपका हो चुका है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आज आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल के रख लीजिए। टाइम मैं बता दूंगा कि कितने बजे तक आपका आंसर की आज आ जाएगा, क्योंकि जो कल मैटर था, कल मैटर साल्व हो गया, ऑफिशियली साल्व हो गया। कल शाम को 7 से 8 बजे तक ही आपका आंसर की आने वाला था, लेकिन कुछ टेक्निकल वजह से अपलोड नहीं हो पाया। तो आज आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल के एकदम रेडी रखिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर जो भी है निकाल के रखे। नॉर्मलाइजर के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका जो सबसे बड़ा मैटर है, किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन को हेर फेर किया गया है, वो सारी जानकारी मुझे आ चुकी है। आंसर किया आएगा तो आप मिला लीजिएगा मेरे चैनल से, यूट्यूब वीडियो से मिला लीजिएगा। अब आंसर की से मिला लीजिएगा, आपको कहीं भी दिक्कत कहीं भी इधर उधर देखने को नहीं मिलेगा। 100% में जो बता रहा हूँ वही होगा। आंसर की सारी जानकारी मुझे आ चुकी है, किस शीट में कितने बदलाव किए गए हैं, एक दो इधर उधर हो सकते हैं, नहीं तो 99 नहीं 100% जो बता रहा हूँ वही होगा। क्वेश्चन में बदलाव किया गया है, क्वेश्चन को हटाया गया है, आंसर की इतना बढ़िया तरीके से बनाया गया है कि कोई मैटर नहीं, कोर्ट में जा ही नहीं सकती भर्ती, कभी नहीं जा सकती, ठीक है। अब कुछ लोग उतारू हो जाएंगे कि हम कोर्ट में ले ही जाएंगे, ले ही करेंगे, भर्ती को लेट कराएंगे, तो वो अलग की बात है, वो तो कोई भी करा सकता है, लेकिन कोर्ट ज़्यादा समय तक उसको होल्ड नहीं करेगा। तो आज आपको सारी जानकारी दी जाएगी, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट करते हैं, आप चैनल पर आते हैं जरूर, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। मैं आपसे बोला हूँ कि यहाँ पर वो न्यूज़ नहीं मिलती है, घुमा फिरा के न्यूज़ नहीं दी जाती है, कट ऑफ हो गया, रिजल्ट हो गया, आंसर की वजह सबसे पहले प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे नया अभी के चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों यदि आप मेरे साथ डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं UP SSSC किसी एग्जाम का, चाहे लेखपाल हो गया, BDO हो गया, BPO हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, लेखाकार हो गया, वन रक्षक हो गया, किसी भी वैकेंसी की तैयारी, बस UP SSSC या UP की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं स्पेशल, तो मेरे साथ जुड़ जाइए। मेरा लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, व्हाट्सअप का लिंक है, तुरंत जाके उसमें जुड़ जाइए, ठीक है। उसमें जुड़ जाइए भैया, यहाँ पे आपको सारा मटेरियल देख सकते हैं, आपको मुफ्त मिलेगा यहाँ पे सारा मटेरियल सारे। देखिए ये BPO का है, ठीक है, BPO का है, इसके ऊपर मैंने कल देखिए ये पेट का है, ठीक है, सारा चीज़ आपको मुफ्त में मिल जाएगा, एक रुपया नहीं देना पड़ता है। सारा मटेरियल सारे बेस्ट टीचरों का, यूट्यूब के जितने भी ऑफलाइन ऑनलाइन टीचर चल रहे हैं, सारे बेस्ट टीचरों का यहाँ पे मटेरियल मिल जाएगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो वाले अपने जो भी है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड, फोर्थ, जो भी शिफ्ट वाले हैं, अपने आंसर की, सॉरी आपके रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल लें। आज आपका 4:30 से 5 बजे के बीच में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग फाइनल आंसर की घोषित कर देगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6-6 बजे, ऐसे ज़्यादा डिलेट नहीं होने वाला है। आज आंसर की घोषित हो जाएगी 26 के फर्स्ट शिफ्ट वालों में दो क्वेश्चनों में बदलाव किया गया, बदलाव मतलब आंसर बदलाव किया गया है, क्वेश्चन को फुल FM नहीं दिया गया है। हो सकता है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जल्दीबाजी में चाहे कुछ भी था, क्वेश्चनों में गड़बड़ी हो गई थी, जो जिसका आंसर सिंपल था, दो क्वेश्चनों में बदलाव किया गया। जब आंसर किया गया तो मैं आपको मिलाऊंगा, आपको दिखाऊंगा, देखिए ये क्वेश्चन बदला हुआ है। 27 के शिफ्टों में बदलाव किया गया है, 26 के शिफ्ट को फुल मार्क दिया गया है। सारी जानकारी आप मिला लीजिएगा, जब आंसर किया गया तो आप देख लीजिएगा, मैच करा लीजिएगा कितना सही है कितना गलत है। आज आपका इंतजार समाप्त हो जाएगा, कल ही हो गया था, लेकिन कल वो पता नहीं किस मैटर से 7 बजे अपलोड करने वाले थे, नहीं होगा, बाद में पता चला कि कुछ टेक्निकल इशू था, इसलिए आपका आंसर की नहीं आ पाया। तो आज आप रेडी रहिएगा। नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो बहुत लोग तीर मार रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, होगा, ये होगा, 2 नंबर 1 नंबर, तो उनका भी आज समस्या समाप्त हो रहा है। आज हम बात करने वाले हैं पेट के बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन द्वारा मार्केट में लाया गया है। इस बुक की सबसे बड़ी खासियत दोस्तों यह है कि पिछले 2 बार से जो पेट हुआ है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 90% से ऊपर क्वेश्चन फंसे हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस बुक से पढ़ के आप 80-85 प्लस आराम से नंबर ला सकते हैं, क्योंकि इसमें एरर कम देखने को मिलता है, सिलेबस व एग्जाम पैटर्न के आधार पर पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। इसका प्रैक्टिस सेट मार्केट में आता है, जो भैया ब्रह्मास्त्र है पेट के लिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, सभी आपका गाइड का भी और प्रैक्टिस सेट का, इसको आप जरूर ले लीजिएगा। आपके पास 1 महीने का समय, आसानी से पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसमें खासियत यह है कि सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जाता है, ये नहीं कि आपको एक्सटेंड करके कुछ गलत चीज़ पढ़ाया जाए, सिलेबस के अनुसार ना पढ़ा के कुछ ज़्यादा पढ़ाया जाए। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों कि टोटल आपका टॉपिक कवर किया गया है, आपका भारतीय इतिहास जो टोटल आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ आप सबसे बड़ी खासियत इसकी यही है कि
टोटल मैटर इसमें मिल जाएगा। इसमें एयर का मैं छह आपके साल पेपर है, 20 प्रैक्टिस सेट है, 1950 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न है जो किसी अन्य एग्जाम में या बुक में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट दोस्तों इसका आप दे सकते हैं, ठीक है। टोटल क्वेश्चन आपको एकदम एरर आपको 1% देखने को नहीं मिलेगा। प्रैक्टिस सेट और आपका जो भी फाइल है टोटल, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, तुरंत जाके परचेज कर लीजिए। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह उपलब्ध है। ऑनलाइन आप तुरंत बुक करने के लिए नीचे एक लिंक में दिया हूँ, वहाँ पर जाकर तुरंत जाइए, तुरंत ऑर्डर करके अपने घर मंगा लीजिए। तो उनका भी आज समस्या समाप्त हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन हो सका तो आपको नोटिस में देखने को मिल जाएगा, उसमें लिखा रहेगा कि भर्ती प्रक्रिया में नॉर्मलाइजेशन बनाया जा रहा है। वैसे ऑफिशियल जानकारी है ये, जैसा कि आप आयोग में किसी का लेखपाल में डीबी चल रहा होगा या कुछ भी चल रहा होगा, जाके पता कर लीजिएगा। लेकिन वीडियो के एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन अपनाया जा रहा है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन सबका होगा। हाँ ये क्लियर है, मैं अभी बता दे रहा हूँ, 26 की फर्स्ट शिफ्ट को नुकसान होगा। हाँ लेकिन वो नुकसान नहीं होगा जो बताया जा रहा था कि 20 नंबर 25 नंबर 10 नंबर या 15 नंबर का नुकसान नहीं होगा। हाँ लेकिन नुकसान होगा यदि आप 26 के फर्स्ट शिफ्ट का 100 के ऊपर है तो श्योर है, श्योर रहिए। 100 के नीचे है तो थोड़ा दिक्कत है भाई आपके लिए, 100 के नीचे दिक्कत है ये मान लीजिए। 100 का मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि 90-95, 100 के यदि आप यदि 95 पे हैं 94 पे हैं तो दिक्कत हो सकती है, डेफिनेटली दिक्कत होगी, ध्यान दीजिएगा। हम दूसरे यूट्यूबरों का न्यूज कॉपी करके नहीं डालते हैं, अभी मैं वीडियो डालूंगा 10 लोग कॉपी पेस्ट मार देंगे वो अलग की बात है। कल एक बंदा हमें अपना वीडियो भैया चैनल वाले सर देखिए आपका काफ़ी मार दिया, मैं कहा चलो भाई काफ़ी पेज चलता रहता है क्या करना है, उससे हमसे क्या मतलब है, हमें अपने न्यूज़ से मतलब है। तो बस यही बोलूँगा, आज रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल लीजिए, आज आपका शाम तक 100% ऑफिशियल आंसर किया जाएगा, नॉर्मलाइजर किया जाएगा। रिजल्ट को लेकर मैं पहले बता चुका हूँ, रिजल्ट आपका कब आएगा वो भी डेट क्लियर हो चुकी। रिजल्ट आपका पेट का एग्जाम खत्म होगा उसके एक सप्ताह बाद आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, एक सप्ताह बाद रिजल्ट देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा लेट नहीं होने वाला, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। आंसर की कल ही आपका आ गया होता, ठीक है। यदि फिर भी कोई डाउट्स है नीचे कमेंट कीजिएगा, आपका सारा डाउट्स क्लियर कर दिया जाएगा। यदि कोई मटेरियल आपको चाहिए, किसी एग्जाम का मटेरियल चाहिए, कुछ भी चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिएगा, आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन को लेकर यदि आपको फुल वीडियो चाहिए, कट ऑफ को लेकर वीडियो चाहिए, सर कट ऑफ क्या जाएगी डीबी के लिए बना दीजिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो नीचे कमेंट कीजिएगा। देखिए जो हम कट ऑफ बनाएंगे उसके एक दो नंबर इधर उधर रहेगा, आप कट ऑफ को लेकर बुरा मत मानिए कि सर कट ऑफ में इतना कट ऑफ चला गया, वो आप इतना हाई बना दिए लो बना दिए ये वो ऐसे ऐसे, कुछ नहीं, जो रहता है मैं वही कट ऑफ बनाता हूँ, चाहे हाई रहे चाहे लो रहे, लो बनाऊंगा तभी आपको डाउट्स में होगा आएगा, हाई बनाऊंगा तभी डाउट्स में रहेगा सर इतना हाई कैसे चला गया, सर इतना लो कैसे चला जाएगा, जो रहती है सच्चाई वही बनाया जाता है, ठीक है। तो आप कमेंट करेंगे तभी वीडियो बनेगी, या ग्रुप में जाकर मेरे जुड़ जाइए, वहाँ से आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं कि सर कट ऑफ इसका बना दीजिए, तो मैं बना दूंगा। जैसे कोई बड़ा अपडेट आएगा आपको सूचित कर दिया जाएगा, आज शाम का वेट कीजिए। धन्यवाद।